हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपका एसएससी का एग्जाम होने वाला है 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच, और उसके लिए सभी रीजन्स के एडमिट कार्ड भी ऑल ओवर ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं। इसकी जो लिंक है, जितने भी आपके एडमिट कार्ड है ऑल रीजन के, अगर आपको डाउनलोड करना है क्लिक में, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, वहां पर डाल दिया है लिंक। पूरा एक चार्ट बना हुआ है जिसमें सभी रीजंस का, आपको एक लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, बट काफी सारे कैंडिडेट वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने में गलती कर देते हैं या वो सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो जिसके वजह से उनको एग्जाम में जो है वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कभी ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो कोई चीज भूल जाते हैं या कोई चीज लेके नहीं जाते, या उसको रूल्स सही से नहीं पता होते, तो उनको एग्जाम देने नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए एडमिट कार्ड पर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं उसके लिए वीडियो है, छोटा सा वीडियो देख के जाना एग्जाम से पहले, जरूर इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो एक बार देख के चलिए जरूर जाना, और जो भी डॉक्यूमेंट में बताऊँ उसको जरूर साथ में लेके जाना, और जो भी चीजें मैं बोलूँ उनको बेहद ध्यान रखना, जिससे आपके भविष्य में कभी भी एग्जाम को लेकर गलती ना हो। तो देख लेते हैं कि एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या आपको लेकर जाना है, और गलती मत करना फिर बोल रहा हूँ, कि वरना पेपर से भी हाथ धो बैठोगे, ठीक है। एक दोस्त था मेरा, तो अभी पेपर देने गया, उसने गलती कर दी भाई, पेपर नहीं दे पाया। तो ध्यान रखना इन चीजों का कि पेपर देने जाओ तो इन किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं बताता हूँ कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दिख रहे हैं। पहला है कि कैंडिडेट मस्ट कैरी एन ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैविंग द सेम डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग डेट मंथ ईयर एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। यानी कि जो भी आपका जो एडमिट कार्ड है उसको एडमिशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड को। इस पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और जो आप ओरिजिनल आईडी लेकर जाएंगे, ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी ले आनी है, जिसमें आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं या आपका वोटर कार्ड लेकर जा सकते हैं या 10th की मार्कशीट लेकर जा सकते हैं, वो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर एक लेटर का भी अंतर इधर से उधर हुआ तो आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। एक बेसिकली ये चीज ध्यान रखना। दूसरा है कि इफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द सेम डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग डेट मंथ एंड ईयर, अगर फोटो आइडेंटिटी कार्ड पे आपका एडमिट कार्ड वाली डेट मेंशन नहीं है, देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एज प्रूफ ऑफ एज हर डेट ऑफ बर्थ। तो उसके लिए उसको क्या करना, अगर मान के चलिए किसी की गलती हो गई है किसी चीज के कारण, को उससे फॉर्म भरते समय गलती हुई, तो वो क्या कर सकता है, एक एडिशनल सर्टिफिकेट लेके जा सकता है। अब यही हुआ था कि उस दोस्त की क्या है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई और वो दूसरा सर्टिफिकेट लेके नहीं गया, वो आधार कार्ड ले गया और एक चीज और अपना एडमिट कार्ड ले गया, तो वहां को एडमिट नहीं देने दिया। अगर वो एक और चीज ले जाता एडमिट का डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में, कोई और चीज भी ले जाता साथ में, तो हो सकता था उसको एग्जाम देने दिया जाता। तो आप भी इस चीज को विशेष ध्यान रखने, काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि इन केस ऑफ मिसमैच ऑफ द डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट एंड फोटो आईडी, द सर्टिफिकेट ब्रॉट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अगर आप सर्टिफिकेट लेके नहीं जाते हैं तो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड जो, ठीक है, अगर डेट मिसमैच होती है तो आपको एग्जाम देने नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड मस्ट बी केप्ट सेफली टिल फाइनल रिजल्ट, रोल नंबर्स कैन नॉट बी गिवन अगेन इफ लॉस्ट। तो आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड की जो आपकी पीडीएफ है उसको अच्छे से डाउनलोड करके रख लेना भविष्य के लिए, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है, इसकी 2-3 कॉपी एक्स्ट्रा करा के रख लेना, जिससे क्या होगा आपको इन फ्यूचर एक गुम हो जाती है तो दूसरी आपके काम आने वाली है। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, जैसे कि द कैंडिडेट एडवाइस दी जाती है कि वो समय पर एग्जाम सेंटर पहुंचे, तो आप समय से पहले ही, जैसे मान के चलिए किसी का 10 बजे एग्जाम है, तो वो 8 से 9 बजे के आसपास वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि अगर लेट पहुंचेगा तो वहां पर वो एग्जाम, उसको यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट शुड नोट दैट नो कैंडिडेट विल अलाउड एंट्री आफ्टर द एंट्री क्लोजिंग टाइम इन एनी सर्कमस्टांस, किसी भी स्थिति में जब आपकी गेट एंट्री बंद हो जाएगी तो आपको वहां पर अंदर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखना, समय से पहले पहुंच जाना है। और आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है, एक तो आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना है, 2 कॉपी ले जाइएगा क्योंकि बारिश का सीजन है, अगर एक खराब हो गई तो दूसरी बैग में रखे रहिएगा, ठीक है। 2 कॉपीज आपको लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना, देखिए ये लेकर जाना, वहां पर आपके मांगे नहीं जाएंगे, फिर भी आपको लेकर जाना, वहां पर इनका यूज नहीं है, पर एसएससी ने इंस्ट्रक्शन दिया तो आपको लेकर जाना है। ये बोला कि वन वैलिड फोटो आइडेंटिटी बियरिंग आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल, एक फोटो आईडी कार्ड ले जानी है आपको, कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ बस उसमें सेम होना चाहिए, इसको ध्यान रख लेना। इसके बाद डी बोला है कि अगर डज नॉट कंटेन द कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल, अगर उस डॉक्यूमेंट पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो कोई एडिशनल सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा, एडिशनल कोई आपका जो आईडी वगैरह वो लेके जाइएगा, जिससे आपकी चीजें
हो पाए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इन केस अ मिसमैच इन द डेट ऑफ बर्थ मेंशनड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट एंड फोटो आईडी प्रूफ द सर्टिफिकेट ब्रॉट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन। भले ही आप सर्टिफिकेट लें बट डेट डेट ऑफ बर्थ गलत ही है तो आपको एडमिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद फेस मास्क ये जरूरी नहीं है क्योंकि कोविड के समय था, और हैंड सैनिटाइजर भी जरूरी नहीं है, पर पानी की बोतल जरूर लेके जाइएगा और ये भी आपका जरूरी नहीं है। इन चीज़ों का वैसे ध्यान रखिए। ठीक है, तो मोटा मोटा कुछ इस तरीके से है कि एडमिट कार्ड की दो कॉपी ले जाइएगा, किसी भी कलर में चलेगी, ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी, भविष्य के लिए इसको संभाल के जरूर रखिएगा। आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाइएगा और कोई भी एक अदर आईडी कार्ड है वो भी आप लेके जाइएगा जिसमें आपकी फोटो लगी हो और डेट ऑफ बर्थ सेम। ठीक है, वाटर बॉटल लेके जाइएगा और टाइम से पहुंचाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। जीके की मैराथन लेके आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे डायरेक्ट आपके एग्जाम से क्वेश्चन फंसने की संभावना है, तो उसको देखने मत भूलिएगा, एग्जाम से पहले जरूर उसको देख के जाइएगा और फोड़ के आना सभी लोग। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट है सभी लोगों को, और जीके की मैराथन आपको कल मिल जाएगी तो उससे देखना मत भूलिएगा। सभी को जाइए, ऑल द बेस्ट है, फोड़ के आना जल्दी से। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।